नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। फुगाना कांदला मार्ग पर परासोली के निकट दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को दूसरी बाइक सवार युवक ने उपचार के लिए भर्ती कराया। फुगाना थाना क्षेत्र के गांव जोगिया खेड़ा निवासी यासीन तथा एहतसाम सोमवार को किसी कार्य से अपनी मोटरसाइकिल पर गांव बिराल जा रहे थे। जैसे ही वे परसोली के निकट पहुंचे तो विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल के साथ उनकी मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें यासीन और एहतसाम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए शामली के एक चिकित्सालय में भर्ती कराया। बस इधर से आ रहे थे जी, इधर से जा रहे थे, उधर से आ रहे थे। बस एक मोड़ से पड़े, मोड़ पे हो गया है जी, बाइक से ही हुई जी। यासीन एहतसाम, इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ, आमने सामने की टक्कर हुई दोनों गाड़ियों की। वो भी बाइक पे थे, ये भी बाइक पे थे। ये हुआ परसोली के अरसैनपुर के बीच में। केंद्र सरकार द्वारा दवा व्यवसायियों पर HX90 लागू करने के विरोध में केमिस्टों के जंतर मंतर पर आयोजित देशव्यापी धरना प्रदर्शन में शामली केमिस्ट एसोसिएशन के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेने के लिए रवाना हुए। केंद्र सरकार ने देश भर के दवा व्यवसायियों पर HX90 कानून लागू किया है, जिसका दवा व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। सोमवार को उक्त कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर देश भर के दवा व्यवसायियों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शामली केमिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों दवा विक्रेता सोमवार को अस्पताल रोड से प्रदर्शन करते हुए बस स्टैंड में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। दवा विक्रेताओं का कहना है कि HX90 कानून के तहत 74 एंटीबायोटिक प्रतिबंधित तथा 16 एंटीबायोटिक दवाइयों की बिक्री केवल सरकारी दुकानों में ही किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत 2 वर्ष तक मरीज के दवा के पर्चे की फोटो स्टेट मेडिकल स्टोर व्यवसायियों को सुरक्षित रखनी होगी। शेड्यूल HX प्रस्तावित शेड्यूल HX90 के विरोध में हम सभी लोग दिल्ली जंतर मंतर पर कूच कर रहे हैं। जो एंटीबायोटिक की इस तरह बिक्री दुकानदार के लिए, केमिस्ट शॉप के लिए बहुत असंभव बात है कि एक प्रेस्क्रिप्शन की फोटो स्टेट करावें और फोटो स्टेट कराने के बाद 2 वर्ष तक हम रिकॉर्ड में रखें, ऐसा एक संभव कार्य नहीं है। और ऐसे में एक बड़े शहरों तक तो ये प्रक्रिया संभव है, लेकिन देहात और कस्बों में जहाँ आपस के संबंध बढ़िया हैं, जान पहचान बहुत ज़्यादा है, ये बहुत मुश्किल कार्य है कि किसी भी व्यक्ति को हम इतनी प्रक्रिया गए, रजिस्टर्ड डॉक्टर की मोहर लगवा गए, फोटो स्टेट करा के लाइए, ये करा के लाइए। मरीज के तीमारदार परेशान होगा, आपस में विरोधाभास होगा, झगड़े होंगे, और 2 वर्ष का रिकॉर्ड के लिए हमें कितनी जटिल प्रक्रिया को निभाने के लिए स्टाफ बहुत चाहिएगा। स्थान कम से कम 300 का दुकान होनी चाहिए, फोटो स्टेट मशीन भी हमें वहीं रखनी पड़ेगी। झगड़े से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का हर समय अपना सहयोग लेना पड़ेगा हमें। तो इस तरह के प्रस्तावित शेड्यूल के विरोध में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे हरियाली तीज उत्सव की पूर्व संध्या पर श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कक्षाओं की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी कला का सुंदर प्रदर्शन किया। हरियाली तीज उत्सव मंगलवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज उत्सव मंगलवार को मनाया जाएगा। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर सोमवार को नगर के श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज में एक मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कक्षाओं की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने सुंदर हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। जैसा कि आप जानते ही हैं, सावन का महीना है और तीज का उत्सव है, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और हमारे विद्यालय की जो छात्राएं हैं, उनका जो टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा ये अवसर है और उसका आयोजन कराया गया, और जिसमें छात्राओं ने बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक से एक सुंदर आकृतियों को अपनी हथेलियों पे उकेरा, जैसा कि आपने देखा ही होगा। और मैं अपनी सभी छात्राओं को जो है बहुत साधुवाद देती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने जिस उल्लास के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का बड़ी ही सुंदरता के साथ में परिचय दिया। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7।
बच्चों का हो यदि सपना पढ़ लिख कर कुछ हो बनना इंजीनियर या डॉक्टर तो क्या करें। हम तो जाएंगे भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। कक्षा फिफ्थ में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं हम बहुत ही मन से उन्हें उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल गली नंबर 5 मोहल्ला रेल पार्क शामली, मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे स्कूल में जो है वो हिंदी और वह इंग्लिश मीडियम की जो है वो शिक्षा दी जा रही है नर्सरी से कक्षा 5 तक। उससे आगे हमारा जो है वो हिंदी मीडियम का स्कूल है जिसका रिजल्ट जो है 9th क्लास है और 10th क्लास में जो है 99% रहा है। इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम फर्स्ट फ्लोर कैलाना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837017736, 9837017736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। गांव मुंडेट खुर्द के झिंझाना रोड नहर पुल पर स्थित मृत बच्चों को दफनाने वाले स्थल पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए गांव मुंडेट के दर्जनों लोगों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गांव मुंडेट कला की बस्ती मुंडेट खुर्द के दर्जनों लोगों ने सोमवार को तहसील पर SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गांव मुंडेट कला की बस्ती मुंडेट खुर्द के दर्जनों लोगों ने सोमवार को तहसील पर SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव मुंडेट कला की बस्ती मुंडेट खुर्द लगभग 100 वर्षों से आबाद है। बस्ती में मृत बच्चों को दफनाने का स्थल झिंझाना रोड नहर पुल के पास तालाब में स्थित है। उनका कहना था कि कई दिनों से कुछ लोग उक्त स्थल पर अवैध भवन निर्माण कर रहे हैं जिसमें गरीबों के सामने मृत बच्चों को दफनाने की समस्या पैदा हो जाएगी। SDM ने मामले की जाँच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तालाब मैं कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा। हमारे गांव का तालाब है उसमें बच्चे दफनाए जा, हमारे गांव के दफनाए जा गड़त, हाँ हाँ गड़त जोड़ी है जी, गढ़ है वो, और उस पर कब्जा कर लिया, दीवारें कर ली। मुंडेट गांव से आए हुए हैं, पूरे गांव मुंडेट गांव से आया हुआ है। हमारे गांव में जो है पूर्व प्रधान ने दबंग आदमियों को जो पीर जोड़ी थी उसमें बच्चों का कब्रिस्तान था वो, हाँ अच्छा, उसमें जो है दबंग आदमियों ने उस पर कब्जा कर लिया। हम उस जगह को आज़ाद करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे, हमने तहसील दिया उसमें भी प्रदर्शन करा, SDM आवास पर प्रदर्शन करा। हम जी उसके लिए आए, हमारे गांव की जोड़ी थी और उसमें पुराने प्रधान ने वह बेच चुका और हमें डरावे भी, हम डरते नहीं, वो जब भी वो बेरे हमें SDM धोरा हुए हैं क्यों भी हमें बोला आज लो कुछ नहीं बताया रहा। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बधे से बेला फुसला कर ले जाई गई नाबालिग युवती तथा उसे ले जाने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दूसरी ओर लड़की के परिजनों का दावा है कि उन्होंने भागदौड़ के बाद लड़की उसके प्रेमी तथा भाई को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बधे निवासी एक नाबालिग युवती को गांव का ही जोनी नामक एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते 27 वर्ष पूर्व बेला फुसलाकर भगा ले गया था। थाना आदर्श मंडी पुलिस को सूचना दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर गत दिवस ग्रामीणों ने SP देहात कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। बताया जाता है कि गत रात लड़की के परिजनों को सूचना मिली कि भगाई गई लड़की और उसका प्रेमी गांव में ही शरण लिए हुए है, जिस पर वे उसकी खोजबीन में जुट गए। काफी प्रयासों के बाद दोनों को प्रेमी के भाई सहित बरामद कर थाना आदर्श मंडी के हवाले कर दिया। पुलिस प्रेमी युगल से पूछताछ कर रही है। शामली रेलवे स्टेशन पर ट्रैक बदलने का कार्य सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को नगर के दिमानपुरा स्थित रेलवे फाटक से रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच ट्रैक बदलने का कार्य किया गया। इस दौरान रेल यातायात भी प्रभावित हुआ।
दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर रेल ट्रैक बदलने का कार्य कराया जा रहा है, जिसके तहत पुरानी रेलवे लाइन तथा लकड़ी के स्लीपरों को हटाकर उनके स्थान पर सीमेंट के स्लीपर डाले जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक बदलने का कार्य पूरा होने के बाद उम्मीद जताई जाती है कि इस रूट पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी दौड़ सकेगी। सोमवार को नगर के दीवानपुरा रोड स्थित रेलवे फाटक से रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच ट्रैक बदलने का कार्य किया गया, जिससे यातायात काफी प्रभावित रहा। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। दीदी आपका घर तो मैं बनाऊंगा, तो मैं आपकी सुई लगाऊंगी। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल को देर हो रही है। बच्चों का हो यदि सपना, पढ़ लिख कर कुछ हो बनना, इंजीनियर या डॉक्टर तो क्या करें। I want to be a pilot. कक्षा 5th में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ही मन से उन्हें उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है, जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गली नंबर 5, मोहल्ला रेल पार्क, शामली। मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे स्कूल में जो है वो हिंदी और वह इंग्लिश मीडियम की जो है वो शिक्षा दी जा रही है, नर्सरी से कक्षा 5 तक। उससे आगे हमारा जो है वो हिंदी मीडियम का स्कूल है, जिसका रिजल्ट जो है 9th क्लास है और 10th क्लास में जो है 99% रहा है। इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम। HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412127369837017736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। वायुमंडल में हो रहे प्रदूषित पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जहां एक ओर सरकार प्रतिवर्ष हजारों रुपए खर्च करती है, वहीं आजकल आम नागरिक भी इसकी ओर अग्रसर है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए घरों में भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं घर में लगे पेड़ पौधे घर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। एक नर्सरी के माली ने बताया कि इनके बगिया में अनेकों शहर से नई किस्म की पौध मंगाई हैं, जो घरों में लगने के बाद घर की सुंदरता को बढ़ाती हैं। साथ ही वायुमंडल में हो रहे प्रदूषित पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। नाम में डिपनवेश है, करोडन है, रोकेरिया है और बोतल पाम है, पिस्टल पाम है, आरी के पाम है, फोनिस पाम है, सारी वैरायटी है। नंबर 1 गुलाब इंग्लिश है टॉप में। जब इस बाबत नर्सरी में आई एक महिला से पूछा गया तो उसने बताया कि आजकल पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ पौधे लगाने के लिए शहरों में पर्याप्त भूमि नहीं है, जिससे हम सभी को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम अपने घरों में पौधे लगाकर वायुमंडल को शुद्ध तो करते ही हैं, साथ ही घर में लगे पौधे घर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। हमें अपने घरों में प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुंदरता बढ़ाते हैं और साथ में पर्यावरण को भी संतुलन रखने के लिए हमें प्लांट लगाने चाहिए, ताकि पूरे संसार में सभी लोग अच्छे पर्यावरण से गुजरें, अच्छा माहौल बने। क्योंकि आजकल धरती पर कोई प्लांट लगाता ही नहीं है, तो धरती पर बहुत ज़्यादा कमी हो रही है प्लांट की। हमें घर से और घर में अगर हम प्लांट लगाएंगे तो थोड़ा सा घर भी अच्छा लगेगा और इस हिसाब से हम पर्यावरण को भी अच्छा सा मेंटेन कर पाएंगे। हम अपने घर की सजावट के लिए नए नए पौधे खरीदते रहते हैं। हर 2-3 महीने में हम नए नए पौधे खरीदते हैं इस नर्सरी से, और यहाँ पे कई तरह की वैरायटी है। पेड़ की बहुत आवश्यकता है हमारे देश में। ये प्रदूषण कम करते हैं और ऑक्सीजन हमारी एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, जिससे हमारे चारों ओर फ्रेश एनवायरनमेंट रहता है। शामली के मंदिर भाकुवाला में चल रहे शिव महापुराण के समापन के अवसर पर श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शिव बारात निकाली गई।
शामली के मंदिर भाकुवाला में चल रहे शिव महापुराण के समापन के अवसर पर श्री मंदिर हनुमान टीला से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शिव बारात निकाली गई, जो शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई मंदिर भाकुवाले पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम के अंतर्गत एक हमारी भाकुवाले वाली संस्था है, जिस पर शिव महापुराण का पाठ चल रहा है, जिसको पंडित सुरेश चंद कप्टियाल कर रहे हैं। आज प्रसंग के अनुसार शिव बारात श्री मंदिर हनुमान टीला से निकलकर बड़े बाजार होती हुई भाकुवाला मंदिर पर पहुंचेगी। स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच हुए विवाद के बड़ा रूप धारण कर लेने पर हुए संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। नोकुआ रोड घीर बुखारी स्थित शिव पब्लिक स्कूल में वतन व आरिफ कक्षा 10 में पढ़ते हैं। बताया जाता है कि दोनों छात्रों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। दोनों ने इस बात की सूचना अपने परिजनों को दी, जिस पर दोनों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उनके बीच जमकर मारपिटाई हुई। मारपीट की घटना में वतन के परिजन नितिन, कुलदीप, रानी व कैलाशो तथा आरिफ पक्ष के फुरकान, इमरान आदि घायल हो गए। दोनों पक्षों ने अपना डॉक्टरी परीक्षण कराकर घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी। मेरा नाम है उर्मिला। मैं खाना बना रही थी और रोटी हमारे मुँह खाट पड़ी, कहने लगी मुझे भूख लगी, रोटी ला के दे। मैं कहने लगी अच्छा रोटी ला रही, बस एकदम से हल्ला सा सुनता हुआ, मैं तो एकदम से सोची पता नहीं क्या हो गया। गली में को आई, पहले तो उनके घर में बढ़ गए जाके, हाई बी पी रहे, छोटे रहे, बी पी रहे, मैं पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, क्या हो गया। फिर वे यहाँ आ लिए एकदम से, मैं कहने लगी भाई क्या हो गया, क्या बात होगी तुम्हारी, क्या बात होगी। कहने लगे हमारे हमें तुमने पीट दिया, नू कर दिया। मैं भाई तुमने भी तो पीट दिया था हमारे वाले को, अब क्या बात होगी, जब फैसला हो गया तो अब तुम्हारा क्या बीमारी बढ़ गई। अब इतना कहते के साथ कोई हॉकी ले रहा, कोई डंडी ले रहा, कोई कुछ ले रहा, मतलब मैं तो जानती नहीं, पता सारों के हाथ में कुछ ना कुछ था, आके उसके अब जा के गिर दिए, दो तीन मेरे भी मारे आके। अब वो लौंडा छुटान लगा, नीति लाया। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।